इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम. क्वेश्चन नंबर वन, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट अ रेट ऑफ 20 लीटर्स पर मिनट. तो ये क्या गिवन है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू 20 लीटर्स है, मीटर क्यूब में क्या बनेगा, 10^-3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. क्या क्वेश्चन में निकालना है, वेलोसिटी बताओ वाटर की क्या होगी जहां पर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है. वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी. तुम्हें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड गिवन है, तुम्हें ट्यूब का एरिया पाई आर स्क्वायर पता है, और तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है. आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लेना आंसर. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इंटू वेलोसिटी, यहां से क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड गिवन है और तुमसे वेलोसिटी पूछी जा रही है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, एरिया इंटू वेलोसिटी. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक. जैसे गार्डन होज हैविंग इंटरनल डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर कितना है इसका, होज का, पाइप का, 2 सेंटीमीटर. तो कनेक्टेड टू अ लॉन स्प्रिंकलर, तो वो छिड़काव करेगा, और जिसमें 24 होल्स हैं. देखो पौधों को पानी देते हैं वो माली लेके घूम रहा होता है, वो आगे होल्स होते हैं, वही है ये, पीछे से ट्यूब बड़ी है और आगे से 24 होल्स हैं. एक होल का डायमीटर गिवन है, तो रेडियस भी पता है. क्वेश्चन है, लिक्विड एंटर करता है पीछे से विद अ वेलोसिटी ऑफ 90, तो बाहर कितनी वेलोसिटी से निकलेगा ये बताओ. तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वॉल्यूम पर सेकेंड जो एंटर कर रहा है, वॉल्यूम पर सेकेंड जो बाहर निकल रहा है वो सेम है, a1 b1 = a2 v2. तो इसका एरिया निकाल लोगे पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और वेलोसिटी इसकी कितनी है, 90, एरिया इंटू वेलोसिटी. राइट साइड पे एक होल का एरिया आ जाएगा पाई इंटू एक होल का रेडियस का स्क्वायर इंटू कितने होल्स हैं, 24. तो 24 से मल्टीप्लाई करना है इंटू वेलोसिटी v2 निकाल लेना आंसर. तो अगेन एरिया इंटू वेलोसिटी सेम रखनी है. कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि 24 होल्स हैं तो इस एरिया को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक. जैसे वो कह रहे हैं, इन अ नॉर्मल एडल्ट द एवरेज स्पीड ऑफ अ ब्लड थ्रू द एओर्टा विच हैज अ रेडियस ऑफ 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर की ट्यूब है, इज 0.33 मीटर पर सेकेंड. बायो वालों को पता ही है, द ब्लड गोज इंटू मेजर आर्टरीज, तो इस बड़ी पाइप से छोटी आर्टरीज में ब्लड जा रहा है, और कितनी आर्टरीज हैं, 30 हैं. एक आर्टरी का रेडियस भी गिवन है. तो अभी बॉडी के अंदर देखो, वो लोग कहते हैं मेडिकल में क्यों पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, लो जब डॉक्टर ऑपरेशन टाइम बोलेगा ना आर्टरीज, भाई कहाँ पे आर्टरी हुए वो सिखाया ही नहीं, कितना ब्लड जा रहा है, ठीक. तो देख लो इधर, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो इस बड़ी ट्यूब में आएगी और छोटी ट्यूब में सेम, तो एरिया इंटू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. तो यहां पे क्या होगा, व्हाट ईच ऑफ रेडियस गिवन कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टरीज, v2 निकालना है, v1 पता है, v2 निकालना है. तो इसका एरिया कितना है बड़ी ट्यूब का, पाई इंटू 0.9 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, और वहां 30 का एरिया कितना है, 30 इंटू छोटी आर्टरी का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, आंसर v2 आएगा. तो आइडिया समझ में आ रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी का सम जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. कोई डाउट इसमें, लॉजिक समझ में आ रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कैसी इसमें लगने वाली है, ठीक. वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज गिवन, वी गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी हेड. वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला लिखवाया भी था, नोट कर लो, v2/2g, बर्नौलीज के एंड में लिखवाया था. वेलोसिटी हेड होता है v2/2g, तो v पता है, 2g से डिवाइड करके वेलोसिटी हेड आएगा, और वेलोसिटी हेड जो है वो हाइट h होता है वो, ठीक. तो वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला v2/2g. ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, बर्नौलीज की प्रॉब्लम ही हमने क्लास में की भी थी. वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज वन एंड इज क्लोज्ड विद अ वेल्व एंड रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज इज गिवन. तो P1 पता है, पानी अभी चल नहीं रहा, तो वेलोसिटी क्या, पानी की इसमें 0.
वो कहते हैं कि द रीडिंग ऑफ द प्रेशर फॉल्स टू, नई रीडिंग आ गई, प्रेशर गिर गया, क्यों गिरा, जब आपने वेल्व को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, पानी बाहर निकल गया, तो पानी की स्पीड क्या है, वी टू, और तुम्हें वी टू निकालना है। तो क्या लगानी थी इसमें, प्रेशर और वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन हो बर्नौलीस, हाइट को तुमने नहीं देखना, कैंसल, पी वन तुम्हें पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें पता है 1000, पी टू तुम्हें पता है, वी वन जीरो पता है, सॉल्व करके वी टू निकाल लेना आंसर। ऐसा क्वेश्चन हैंड रिटन के अंदर भी सेम किया था लास्ट टाइम। तो आइडिया समझ में आ रहा है, पी वन पता है, पी टू पता है, वी वन जीरो पता है, और वी टू निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी पर नॉलेज में लेते नहीं है, तो वैसे ही आपके पास इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। मैंने कमी देखी है, बहुत कम, प्रेशर वेलोसिटी में इतना ज़्यादा अंतर है, मतलब इतना डिफरेंस हो जाता है। देखो ना, हम एक प्लेन को भी उड़ा रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं एप्लीकेशन में, क्या अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो प्रेशर एनर्जी गिर गई, कोई कहे रुको 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 प्रेशर एनर्जी मत गिरो, पोटेंशियल को पहले चेंज करो, तो फिर पानी कैसे उड़ेगा ऊपर, तो एक्सप्लेन कैसे करूं? होता होगा पर उसका अफेक्ट थोड़ा कम होता होगा। अगर तुम तीसरे को भी लेके बैठ जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इसलिए छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, होती है, इसमें लेते नहीं। और तुम इसकी लैंग्वेज से भी पता लगता होगा, तुम वो हाइट की भी बात ही नहीं करता, वो बोलता ही नहीं है कि हाइट H1 से H2 चली गई, लेता ही नहीं पोटेंशियल कभी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वाटर एंटर्स एट वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4 एंड लीव द अदर एंड विद द वेलोसिटी ऑफ 0.6। तो V1 से एंट्री है, V2 से एग्जिट कर रहे हैं, दोनों वेलोसिटीज पता है। द प्रेशर ऑफ द वाटर एट फर्स्ट एंड गिवन है 1500, आपको बताना है कि प्रेशर दूसरे एंड पे क्या होगा, और पानी की डेंसिटी 1000 है, फिर से क्या लगेगा प्रेशर वेलोसिटी में, बर्नौलीस थ्योरम, पोटेंशियल तो लेनी नहीं है, तो आपको P1 पता है, आपको P2 निकालना है, आपको डेंसिटी भी पता है, V1 V2 पता है आंसर। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी प्रेशर और वेलोसिटी की कोई प्रॉब्लम आएगी तो बर्नौलीस लगा के, दो प्रेशर गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है और दूसरी निकालनी है, बर्नौलीस लगा के आंसर आ जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, तो क्या गिवन है और क्या निकालना है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो आ जाएगी अगली बार, हर शीट में से एक एक क्वेश्चन डालना ही है, शीट ले जाना, अपने आ जाएगी, बर्नौलीस भी आएगी, एफ्लक्स भी आएगी, रेंज भी आएगा, अगली बार तो सब कुछ ही आएगा, व्हाट्सएप पे नोट मैं बता दूंगा क्या क्या आएगा, और शीट भी दे दूंगा, पढ़ के आना एक बार, ठीक। नेक्स्ट, वाटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 meters per second इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजिंग फ्रॉम कितना, 2×10⁻²⁻¹ से लेके 0.01। तो एरिया A1 से A2 हो गया, एंट्री की वेलोसिटी आपको पता है, प्रेशर की वैल्यू P1 की वैल्यू आपको इसमें पता है, ये रही प्रेशर बताना है दूसरे एंड पे क्या होगा। एक बात तो पक्की है, बर्नौलीस तो लगनी है, तो लगा दी बर्नौलीस, प्रेशर P1 पता है, डेंसिटी वाटर की पता है, वेलोसिटी V1 पता है, 2 पता है, P2 निकालना है, डेंसिटी पता है, V2 नहीं पता। इसमें एक और प्रॉब्लम है, P2 निकालना है, V2 भी नहीं पता, तो फिर क्या करें, A1 V1 = A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो A1 पता है, V1 पता है, A2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, V2, इस V2 को यहां पुट करें और सॉल्व करके क्या आएगा, P2। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को रिलेट करना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट
अब यहाँ तक तो तुमसे प्रॉब्लम हो जानी थी क्योंकि बर्नौलीज़ की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की प्रॉब्लम है जो आज हमने थ्योरी की। टैंक कंटेनिंग वाटर हैज़ एन ओरिफिस यानी कि होल 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, एच पता है, फाइंड स्पीड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो अंडर रूट ऑफ 2gh में h की वैल्यू पुट कर देते हैं, g पुट कर देते हैं और 2 पुट करते हैं, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक। जैसे कैलकुलेट स्पीड ऑफ एफ्लक्स, मैं खुश हो गया, रूट 2gh लगेगा, किसकी, कैरोसिन की, और ठीक है कोई बात नहीं, एक ही लिक्विड है, दो तो है नहीं, मैं खुश रहा, मैंने कहा रूट 2gh लगेगा, मैं एच ढूंढ रहा था। वो कह रहा है इन अ टैंक जहां पर प्रेशर 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, कह रहे हैं कि यहाँ होल के यहाँ प्रेशर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल दो। अब मेरे को हाइट तो पता नहीं थी, फिर मैंने क्या लगा दी, जब कुछ ना पता हो तो मैंने बर्नौलीज़ लगा दी। तो मैंने कहा चलो एक पॉइंट अंदर एक बाहर ले लेते हैं, बर्नौलीज़ लगा देते हैं। बर्नौलीज़ में 1 पॉइंट पे प्रेशर उसने क्या बोला, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वैसे एटमॉस्फेयर का क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक, तो टोटल प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्लस 4 एटमॉस्फेरिक बाय रो, पोटेंशियल को लेना नहीं है, और लिक्विड के अंदर वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0, बाहर निकलती पार्टिकल का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक और वेलोसिटी V2 जो निकालनी है। मैंने इसे सॉल्व किया, इसको ब्रेक किया, कैंसिल हुआ, सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया, यहाँ से आएगा V2। बुक्स ऐसा नहीं करती, बुक्स का शॉर्टकट सुनो, याद रख सकते हो तो कर लो, आपकी मर्जी है। बुक्स ऐसा करती हैं, यहाँ तक के स्टेप्स नहीं दिखाती, किया यही होता है, वो क्या करती हैं, ये दिखाती हैं कि आपका 4 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर तुम्हें गिवन था, 1/2 रो को राइट ले जाती हैं इनटू वी का स्क्वायर। वो कहती हैं अगर आपको हाइट नहीं गिवन ना कोई बात नहीं, आपको प्रेशर गिवन है, जो भी प्रेशर गिवन है उसको हाफ रो वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना, वी आ जाएगा आंसर, एक स्टेप में आंसर। सारी किताबें यही शॉर्टकट मारती हैं। तो मतलब जब तुम बुक का सोल्यूशन देख लो और तुम्हें ये शॉर्टकट गिवन हो कि भाई ये कर क्या रही है कि जो भी पॉइंट का प्रेशर है वो प्रेशर को किससे इक्वेट कर रही है, हाफ इंटू रो इंटू वी के स्क्वायर पर लिखती है ऑन अप्लाइंग बर्नौलीज़। तो मतलब वो ये 3 स्टेप आपकी खा गई, तो आप सीधा भी अप्लाई करेंगे तो बढ़िया है, तो तुम मत करो ये वाला, तुम सीधा एटमोस्फेरिक प्रेशर की जगह 4 ATM पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये अपना मतलब याद रख सकते हो, रख लो, मेरे को कई बार भूल ही जाता है 6 महीने बाद कि ये भी फॉर्मूला था, फिर मुझे बर्नौलीज़ नहीं भूलती, तो कम से कम बर्नौलीज़ तो लगा के आंसर आ ही सकता है। राधा मैं तो आज भी भूल गया था, सच बताऊँ मेरे को याद ही नहीं आया लास्ट ईयर से कि ये भी था, तो अभी फिर मैंने बर्नौलीज़ लगाई फिर याद आया, अच्छा ये भी तो फॉर्मूला था। मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूले जो कभी कभी यूज़ होते हैं साल में 2-3 बार, फिर भूल जाते हैं फिर याद आ जाते हैं, तो आप याद रख सकते हो, आप रख लो, नहीं तो बर्नौलीज़ तो आपके साथ हमेशा ही है, इससे तो आंसर आ ही जाएगा ना। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, प्रेशर 4 एटमोसफेयर एच रो जी से निकाल सकते हो, आप एच निकाल लेना, रूट 2gh लगा सकते हो, सही है वो भी कर सकते हो, ठीक। तो प्रेशर के साथ झगड़ा कौन करेगा एच रो जी का, फिर सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, ठीक है चलो एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 4 liters per second, क्या गिवन है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, 4 liter per second, और बुक्स में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का सिंबल क्या होता है, क्यू, थ्रू एन ओरिफिस, और वो ओरिफिस कितना डीप है, 720, तो हाइट कितनी है, 720। मेरे से पूछा नहीं है पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ 720 डिस्टेंस पे अंडर रूट ऑफ 2gh से, इतनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा, फिर देखा ये तो पूछा ही नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ दिया। उसने कहा कि फाइंड रेट ऑफ एस्केप ऑफ वाटर, फिर से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालो नया, अगर इसी पानी के ऊपर 720 हाइट के ऊपर एडिशनल प्रेशर डाला जा रहा है, कितना, 16 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, अब बताओ कितना वॉल्यूम निकलेगा पर सेकेंड उसी होल में से, ये बताओ। एक एक करके करते हैं, पहले ये देखते हैं एडिशनल प्रेशर कितना है, 16 kg एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, kg को पहले मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसमें ग्राम में कन्वर्ट किया 16,000, फिर फोर्स की वजह से 980 टाइम्स में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरे पास ये आया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी केस नंबर 1 में आपको लिक्विड कितना गिरा
गिवन था 720 सेंटीमीटर गिवन था, और अब तुमने क्या किया 720 सेंटीमीटर के ऊपर एडिशनल प्रेशर लगा दिया। अब वो प्रेशर लगाया कैसे, या तो अपने हाथ से जाके लगाया, या पिस्टन लगा के दबा दिया, या फिर इमेजिन करो तुमने इसके ऊपर और पानी डाल दिया, उस पानी ने प्रेशर लगा दिया। ठीक है, तुम इमेजिन कर लो तुमने और पानी डाल दिया, उस पानी का एडिशनल प्रेशर इतना लग गया, और जब तुमने वो पानी डाला उसकी हाइट क्या थी एच, वो हाइट पता है कैसी निकलेगी, जो तुमने प्रेशर डाला था ये प्रेशर डाला है उसको पुट कर लो एच रो जी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या है 1, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा एच डैश आ जाएगा। तो तुम्हें एडिशनल वाटर की हाइट यहां से पता लग जाएगी प्रेशर से, एडिशनल हाइट की वैल्यू जी से जी कैंसिल कितनी आएगी 16,000 सेंटीमीटर। तो 720 का पानी तो पहले ही था, एडिशनल प्रेशर ने 16,000 सेंटीमीटर पानी और डाल दिया। ये स्टेप समझ में आया कैसे, तो नई हाइट क्या आ गई, नई हाइट आ गई 16,000 प्लस 720 नई हाइट आ गई, नई हाइट आ गई तो नई वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 2 इनटू जी इनटू एच डैश आ गई। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू आ गई। अब अगर ये वैल्यू आ गई तो वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स आ गई। अब मुझे पता है पहले वाले केस में क्यू क्या था एरिया इनटू वेलोसिटी, नए वाले केस में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, एरिया तो वही है ओरिफिस का होल का, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई वी डैश। इन्हें डिवाइड कर ले, क्यू तुम्हें गिवन है, क्यू डैश तुम्हें निकालना है, वी हमने निकाल लिया, वी डैश हमने निकाल लिया आंसर। निकल सकता है, निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा, अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स तो फिर भी निकालनी पड़ेगी। तुम बर्नौली से फिर एडिशनल प्रेशर ले लेना, पानी का प्रेशर 720 का प्लस एडिशनल प्रेशर हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। देखो बर्नौली प्रिंसिपल तो इन दी एंड है ही है, हम तो छोटा रास्ता देखते हैं, क्योंकि अगर कुछ समझ में नहीं आएगा बर्नौली तो मैं लगा ही दूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि बार बार ना लगानी पड़े, क्वेश्चन छोटा हो जाए, पर हालांकि मेरे को लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट है बर्नौली लगाना, गलती होने का चांस थोड़ा कम है बर्नौली लगाने में, शॉर्टकट में फिर गलती हो सकती है, उसमें नहीं हो सकती, एग्जैक्ट वैल्यूज पुट की जाएंगी उसमें। डायमीटर ऑफ द पाइप एट टू पॉइंट्स, इन वेंचुरी मीटर किया था हमने, डायमीटर्स गिवन है पाई आर स्क्वायर, ये रहा डायमीटर्स गिवन है, तो एरिया भी आ जाएगा दोनों ट्यूब्स का। अब वो कह रहा है डिफरेंस इन द लेवल एच पता है, जो याद है वेंचुरी मीटर में वो मरकरी का और उसका डिफरेंस आ जाता था, एच पता है, क्या निकालना है आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कितना है, लगा दो फॉर्मूला, एरिया ए वन पता है, ए टू पता है, एच पता है, आंसर फॉर्मूला तो यूज करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। और इसमें जो लास्ट है वेंचुरी मीटर गिवन है 37.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ये वेंचुरी मीटर गिवन है और दो डायमीटर्स तुम्हें गिवन है इसमें, तो दो डायमीटर्स गिवन है और द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ द वाटर 23 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। अब ये ध्यान से देखना है इसमें क्या किया, 23 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है, प्रेशर क्या है 23 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है, और क्या निकालना है आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, चलो तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी इसमें दो डेंसिटीज यूज हो रही थी, चेक करो डेंसिटी ऑफ मरकरी भी थी, डेंसिटी ऑफ वाटर भी थी, और अगर चलो मान लो एक मिनट के लिए वो स्पेशल केस लिखना भूल गया थ्योरी में, अगर डेंसिटी ऑफ मरकरी की जगह डेंसिटी ऑफ वाटर ही लिया जाए तो डेंसिटी डेंसिटी आपस में कैंसिल होकर ये आंसर आता है। मतलब अगर मैं मरकरी ना लूँ उस यूट्यूब में जो हमने थ्योरी करवाई थी उसमें वाटर ही ले लूँ फिर तो मेरा ये आंसर आता है, और हाइट भी किसकी आएगी वाटर की आएगी, हाइट भी वाटर की आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा कि हाइट कितनी है 23 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और मैंने अपना ये फॉर्मूला अगर यूज करना है, ज्यादातर बुक्स यही फॉर्मूला यूज करती है बिना डेंसिटी के, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल करके ये यूज करती है, तो इसमें हाइट क्या पुट करूं 23, पर क्योंकि मैं डेंसिटी काट चुका हूं ये मानते हुए कि इसमें वाटर ही वाटर है, तो इसका मतलब है कि हाइट मरकरी की पुट नहीं की जा सकती। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पानी की ही हाइट निकालनी पड़ेगी, 23 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट पानी का प्रेशर क्या होगा एच रो जी ऑफ वाटर, वेयर एच इज दी हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो यहां से जी काट के डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1 है प्लीज, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1, तो हाइट ऑफ वाटर इसके इक्वल आ जाएगी, तो यानी कि 23 सेंटीमीटर की मरकरी का इक्विवेलेंट पानी कितना है
23 इंटू 13.6। तो ये लॉजिक समझ में आया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे फॉर्मूले में डेंसिटीज भी आती थी, मैंने डेंसिटीज को काट दिया ये मानते हुए कि लिक्विड वाटर ही है सिर्फ। तो ये हाइट किसकी है, वाटर की, पर मुझे हाइट किसकी गिवन है, मरकरी की। तो मैंने दोनों प्रेशर्स को इक्वेट कर लिया, पानी के और मरकरी के, और हाइट ऑफ पानी निकाल ली। अब मैं हाइट को पुट करने वाला हूँ 23 इंटू 13.6, आंसर आएगा। ये ट्रिक है, मैंने कहा ये फॉर्मूले में डेंसिटी नहीं ली, मतलब मैंने मरकरी की और पानी की डेंसिटी को कैंसिल कर दिया ये मानते हुए कि लिक्विड वाटर ही है। तो ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है बस। तो हाइट ऑफ हाइट भी किसकी यूज करेंगे, वाटर की। पर तुम्हें गिवन क्या है, 23 सेंटीमीटर हाइट किसकी गिवन है, मरकरी की। तो तुम प्रेशर ऑफ मरकरी निकाल लो H₀g। तो इसके इक्वलेंट पानी अगर यूज करते तो पानी का प्रेशर क्या होता, H₀g ऑफ वाटर कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, तो हाइट ऑफ पानी आ गई। तो हाइट ऑफ वाटर को यूज करके आंसर आएगा।